एसिड हैलाइड फॉर्मेशन है रिएक्शन क्या है विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और एसओसीएल टू, इस तरह से क्या है थायोनाइल क्लोराइड। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद क्या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म क्या है एसिटाइल क्लोराइड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड एंड एचसीएल। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड एसओसीएल टू फॉर्मिंग क्या एसिटाइल क्लोराइड अगेन एसिड हैलाइड, दोनों रिएक्शन में एसिड हैलाइड बन रहे हैं अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड क्या एचसीएल। तो मैकेनिज्म ऑफ क्या है ये रिएक्शन ऑफ क्या है एसिटिक एसिड एंड थायोनाइल क्लोराइड। देखें एसिटिक एसिड मैंने लिखा है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया और एच पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस तरह से क्या ये मॉलिक्यूल जो है थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 है ये भी पोलराइज है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड है और इस तरह से क्या है ये रिएक्शन होता है तो क्या है आपके पास है ये एक इंटरमीडिएट बनती है। तो देख लेंगे ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ अटैच हो जाता है और एक इसमें से क्लोरीन निकल जाता है निकल गया और एच भी निकल गया इसका। अगले स्टेप पे देखें मैंने यही मालिक्यूल जो है उठाकर इधर लिखा है और फिर मैंने क्या है ये क्लोराइड आयन जो अंदर है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है तो मैंने इधर लिख लिया और इसका अटैक हुआ इस कार्बन पर क्योंकि ये क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस तरह से जब अटैक करता है तो बॉन्ड बन जाता है ये बॉन्ड दहाया हुआ ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन दोनों ऊपर बैठ जाते हैं ये देखे मैंने क्या इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊपर दहा दिए बॉन्ड से और इस तरह से क्या है ये एक और क्या है इंटरमीडिएट बन जाती है जिसकी स्ट्रक्चर जो है टेट्रा हिड्रॉन होती है। और अब देखें अगले स्टेप में वही मॉलिक्यूल मैंने उठाकर इधर लिख दिया और इसमें ये इलेक्ट्रॉन जब मूव किए यहां पर आ गए बॉन्ड बन गया ये बॉन्ड दहाया हुआ और ये बॉन्ड यहां पर आ गया और क्या है ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और क्लोरीन टूट गया और इस तरह से क्या है ये फिर एसिटाइल क्लोराइड बन गया और साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी और क्लोरीन। इस तरह से क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं ये एसिड हैलाइड बनाते हैं न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्ट करता है और इस तरह से ये एसिड हैलाइड एसिटाइल क्लोराइड बना और इस तरह से क्या है ये एसिड हैलाइड बना। इस तरह से एस्टर भी बनते हैं और एसिडामाइड भी बनते हैं। इस तरह से ये मेरा लेक्चर जो है इख्तिताम को पहुंचा। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो है हर मेरी वीडियो आप तक जो है पहुंच सके।